स्टूडेंट्स, टुडे विल बी लर्न जीके जनरल नॉलेज, जिसमें चैप्टर नंबर का नाम है क्लासरूम। आज हम क्लासरूम चैप्टर नंबर 6 करेंगे। ओके, तो ओपन योर बुक पेज नंबर 16। उसमें है क्वेश्चन 1, क्लासरूम, यानी कि हम जब स्कूल जाते हैं तो हमारा क्लासरूम होता है ना, तो हमारे क्लासरूम में कौन सी चीज़ें होती है उनके बारे में आज हम देखेंगे। क्वेश्चन 1, अ पिक्चर ऑफ अ क्लासरूम ऑफ अ स्कूल इज गिवन बिलो एंड द नंबर्स ऑन ईच पिक्चर आर रिटन टू रिकॉग्नाइज देम एंड रिकॉग्नाइज ईच पिक्चर राइट द नेम ऑफ द पिक्चर इन द ब्लैंक अकॉर्डिंग टू देयर नंबर्स। आप नीचे देख सकते हैं कि जो पिक्चर्स दिया गया है वो किसका है, क्लासरूम। आपका भी क्लासरूम ऐसा ही है ना। ओके, और सारी जो चीज़ें क्लासरूम में दी गई है पिक्चर्स में, उन पे एक नंबर लिखा हुआ है, और वो नंबर आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 to 20 नंबर तक आपको दिए गए हैं। ओके, तो हमें फर्स्ट नंबर से लेके 20 नंबर तक हमें नेम लिखने हैं उनके, कि फर्स्ट नंबर दिया गया है तो फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो कि फर्स्ट नंबर पे क्या है, टीचर है। सेकंड नंबर पे क्या है, ब्लैक बोर्ड है। ओके, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट नंबर, आप फर्स्ट नंबर पे देख सकते हैं, फर्स्ट नंबर पे क्या है, टीचर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टीचर्स का स्पेलिंग TEACHER, टीचर। फिर है सेकंड नंबर पे है ब्लैक बोर्ड BLACK, ब्लैक, BOARD, ब्लैक बोर्ड। ओके, फिर है नंबर 3, तो नंबर 3 पे क्या दिया गया है, टेबल। टेबल का स्पेलिंग आएगा TABLE, टेबल। फिर है फोर नंबर पे है चेयर CHAIR, चेयर। फिर है फिफ्थ नंबर पे है बुक BOOKS, बुक्स। फिर है सिक्स नंबर पे है चॉक स्टिक CHALK STICKS, चॉक स्टिक्स। ओके, फिर है सेवन नंबर पे है डस्ट DUSTER, डस्टर। ओके, फिर है एट नंबर पे क्या दिए गए, स्टूडेंट्स दिए गए हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स STUDENT, स्टूडेंट्स। फिर है नंबर नाइन नंबर पे है बेंच BENCH, बेंच। फिर है टेन नंबर पे क्या दिया गया है, डेस्क DESK, डेस्क। फिर है इलेवन नंबर पे है पेंसिल PENCIL, पेंसिल। फिर है ट्वेल्व नंबर पे है इरेजर ERASER, इरेजर। फिर है 13 नंबर रूलर RULAR, रूलर। फिर है 14 नंबर पे है स्कूल बैग SCHOOL, स्कूल BAG, बैग, स्कूल बैग। फिर है हमारा 15 नंबर पे है लंच बॉक्स LUNCH, लंच, BOX, बॉक्स, लंच बॉक्स। फिर है 16 नंबर पे है मैप MAP, मैप। फिर है 70 नंबर पे है बुक BOOK, बुक सेल्फ ACLF, क्या है, बुक सेल्फ, जहाँ पे हम बुक्स रखते हैं। फिर है 18 नंबर पे है डस्टबिन DUST
टी बी आई एन डस्ट बिन। ओके फिर है 19 नंबर, तो 19 नंबर पे क्या है ग्लोब, जी एल ओ बी ई ग्लोब। और 20 नंबर, तो 20 नंबर पे क्या है चार्ट, सी एच ए आर टी चार्ट। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। हमें क्लासरूम में कितनी चीज़ें दी गई है, 20 चीज़। ओके तो ये सारी जो दी गई है नंबर्स, वो नंबर्स के हमने 1 to 20 तक नेम लिख लिए हैं, वो आपको अपनी ये बुक्स में लिखने हैं। ओके फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स। ओके तो यहाँ पे कुछ आपको 3 क्वेश्चन दिए गए, उनके आपको आंसर देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, टू विच स्कूल डू यू डू। ओके क्या आप स्कूल पे जा, आपके स्कूल का नाम क्या है, तो आई गो टू, आप कौन से स्कूल में जाते हैं, तो आंसर लिखना है आई गो टू। आप कौन से स्कूल में जाते हैं, नवनिधि इंटरनेशनल स्कूल। तो यहाँ पे आपका स्कूल का स्पेलिंग दिया गया है, तो हम सिर्फ लिखेंगे यहाँ पे नवनिधि इंटरनेशनल, तो हमारा स्पेलिंग आएगा नौ निधि, नवनिधि, फिर यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख रही हूँ इंटरनेशनल। ओके नवनिधि इंटरनेशनल, आपको स्कूल का स्पेलिंग दिया गया है। ओके तो आई गो टू नवनिधि इंटरनेशनल स्कूल। फिर सेकंड क्वेश्चन है, इन विच स्टैंडर्ड आर यू, आप कौन से स्टैंडर्ड में हैं, तो आंसर में आपको क्या लिखना है, आई एम इन फर्स्ट स्टैंडर्ड। तो आपको सिर्फ ब्लैंक्स दिए गए, वहाँ पे आपको क्या करना है, 1 लिख के ऊपर शॉर्ट में आपको एसटी लिखना है, फर्स्ट। ओके फिर है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज योर क्लास टीचर्स नेम, तो आंसर आएगा माय क्लास टीचर्स नेम इज, आपको सिर्फ आंसर लिखना है कि आपके क्लास टीचर हैं उनका नाम क्या है, तो आपके क्लास टीचर का नेम है टेनिशा मैम, तो उनका स्पेलिंग आपको यहाँ पे लिखना है डी एन आई एस एच ए एम ए एम मैम। ओके स्टूडेंट, तो ये थे हमारे 3 क्वेश्चन, और यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 6 क्लासरूम कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन जो 1 है उनके 1 से लेके ये 20 नेम आपको अपनी नोटबुक में भी लिखने हैं और ये बुक्स में भी लिखने हैं और लर्न करना है। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 7।